खबरों में बात करते हैं मेरठ की, जहां पर दोस्तों ने ही बर्थडे पार्टी में दोस्त को बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आशीष सुनो, भगत सिंह उर्फ राजपाल को उसके ही दोस्तों ने घर बुलाकर आशीष के साथ पहले तो गाली गलौज की, उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। परिवार वालों को पता चलने पर परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि आशीष के माता पिता नहीं है, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भाई क्या नाम है आपका, और जिस लड़के की हत्या हुई वो क्यों हुई, किसने की, कितने आरोपी हैं इसमें? सर जिसकी हत्या हुई उसका नाम आशीष भड़ाना है और मैं उसका चाचा का लड़का हूँ मनु भड़ाना, रामचुरानपुर से। उनकी आपस में भाषा हुई थी, एक हमारे दोस्त हैं बर्थडे में और वो वहाँ से आए हुए थे। इस बीच में उन्होंने जो है प्लानिंग करके सारे परिवार ने घेर के 20-25 लोग आए हुए उसको गोली मार के सबके उसके घर को चढ़ चढ़ा के उसको गोली मार के चले। इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है क्या? हाँ, दो पकड़े गए हैं, दो तीन आरोपी पकड़े गए हैं, दो नामजद है अन्नू रुपेश सनोप मुनीम और नितिन सनोप किरण सिंह, और जो उनके और जो भाई हैं जिनसे मैं झगड़ा हुआ था ये भी नहीं है और वो भी अभी फरार है, वो भी पकड़े गए हैं। सात लोगों को हमने नामजद कराया है, नहीं तो वो 25 सारे परिवार आ गए तब तक। सर ये जो थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था, क्या है पूरा मामला, अपडेट क्या है इसमें? सर ये थाना प्रतापपुर में जुर्रानपुर नामक गांव में आशीष नामक युवक की हत्या प्राप्ति में हो गई थी, जिसमें नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ है। नामजद अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अभियोग का निस्तारण किया जाएगा। सर इसमें कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? सात आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार, शेष अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।